गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसबीडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में बेटा आपका फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। आज हमारे पास एस ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म का एक लास्ट गुणधर्म पढ़ेंगे बेटा। तो जो हमारे पास बेटा लास्ट गुणधर्म है वो है ऑक्सो अम्लों के लवण। यानी कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के तत्व हैं वे सारे के सारे ऑक्सो अम्ल से क्रिया करके एक लवण बनाते हैं और जिनको क्या कहते हैं ऑक्सो अम्लों के लवण। अब बेटा सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन बेटा पूछता है कि सर ऑक्सो अम्ल होते क्या हैं। तो बेटा मैं कुछ सबसे पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास H2CO3, बेटा H2CO3 का नाम होता है कार्बनिक अम्ल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर होती है केंद्रीय परमाणु में कार्बन होता है, इसी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और यहां पे एक OH प्रेजेंट होता है और एक OH प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कार्बनिक अम्ल की है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और है H2SO4। H2SO4 का नाम तो आप सभी जानते होंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम बेटा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बेटा यहां पे केंद्रीय परमाणु मिलेगा सल्फर, फिर इसी के साथ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे मिलेगा आपको ओ एच, और यहां पे क्या मिलेगा बेटा आपको ओ एच। तो ये हमारे पास दो प्रकार के अम्ल हैं, एक तो कार्बनिक अम्ल जिसका जो फॉर्मूला है वो है H2CO3, और एक हमारे पास बेटा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या है H2SO4। अब इनके स्ट्रक्चर में आप एक नोटिस कर बेटा यहां पे अम्ल नाम, जैसे जैसे इनके नाम में आ रहा है अम्ल, तो अम्ल क्या होते बेटा? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि H+ को क्या करते हैं? त्यागते हैं। अब इसमें आपको इनके स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के साथ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। बेटा जो ये OH है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। इस हाइड्रोक्सिल समूह में जो H है वो किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है। और अगर इन दोनों की विद्युत ऋणता की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कैसी होती है? अधिक होती है। यानी कि जो H है वो क्या करेगा? वो H+ के रूप में आसानी से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपको कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों में आपको हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहे होंगे, और हाइड्रोक्सिल समूह बेटा इनमें खासियत होती है कि जो H+ होता है वो आसानी से निकल जाता है। यानी कि इस H+ की वजह से ये दोनों किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बेटा किस से जुड़ा है? इसमें तो कार्बन से जुड़ा है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में बात करें तो इसमें किस जुड़ा है? इसमें सल्फर से जुड़ा है। और हाइड्रोक्सिल समूह जिस परमाणु से जुड़ा है उसके साथ एक ऑक्सो समूह बेटा, इसको कहते हैं ऑक्सो समूह कहते हैं। तो यहां पे ऐसे कोई भी यौगिक या ऐसे कोई भी अम्ल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे अगर ऑक्सो ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? ऑक्सो अम्ल कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुना ध्यान से बेटा, कि वे यौगिक या वे अम्ल जिनमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस परमाणु से जुड़ा होता है वो परमाणु अगर हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होती ऑक्सो समूह से जुड़ा होता है तो ऐसे जो हमारे पास अम्ल होते हैं वही क्या कहलाते हैं? ऑक्सो अम्ल। तो ऑक्सो अम्ल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो उस परमाणु से जुड़ा है
और जिस परमाणु से क्या मिलेगा आपको, ऑक्सो समूह जुड़ा मिलता है। यानी कि ऐसे अमल जिसमें एक ही परमाणु के साथ ऑक्सो समूह भी जुड़ा होता है और एक ही के साथ इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, ऐसे जो हमारे पास अमल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सो अमल कहलाते हैं। जैसे कार्बनिक अमल की बात करें तो कार्बन के पास ऑक्सो समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह भी है, तो ये क्या है, एक ऑक्सो अमल है। इसी के साथ जो हमारे पास सल्फ्यूरिक अमल है उसमें सल्फर के साथ ऑक्सो समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह भी है, यानी कि ये भी क्या है, एक ऑक्सो अमल है। डेफिनेशन क्लियर है सभी को बेटा? तो ये तो डेफिनेशन है बेटा किसकी, ऑक्सो अमल की। अब इन ऑक्सो अमल के साथ जब क्षारीय धातु यानी कि वर्ग नंबर फर्स्ट के धातु और क्षारीय मृदा धातु यानी कि वर्ग नंबर सेकंड के धातु जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। मैं रिपीट कर रहा बेटा इस चीज को फिर से कि वर्ग नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है और वर्ग नंबर जो सेकंड है इनके जो धातु हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब इन ऑक्सो अम्लों के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो इसमें, जैसे बेटा हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट का कोई भी धातु है जैसे एम है बेटा यहां पे, ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं कार्बनिक अम्ल से तो H2CO3 से, जब H2CO3 से कराते हैं तो बेटा दो प्रकार के यहां पे क्या मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं। कौन कौन से मिलेंगे, अगर ये इससे क्रिया करेगा तो बेटा एक उत्पाद तो बनाएगा MHCO3 बनाएगा, और अगर यहां पे इसी के साथ यहां पे बनाता है M2CO3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकलती है। तो दो प्रकार के बेटा हमारे पास उत्पाद बने हैं। अगर वर्ग नंबर फर्स्ट का कोई भी धातु अगर कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो बनाएगा धातु बाई कार्बोनेट, क्या बनाएगा, धातु बाई कार्बोनेट। बेटा बाई जो वर्ड यूज किया है मैंने ये एच के लिए यूज किया है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है। इसी के साथ यहां पे अगर ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है कि जब वर्ग नंबर फर्स्ट का धातु अगर इससे क्रिया करता है तो बेटा क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट और प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बो सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो दो प्रकार के बेटा यहां पे उत्पाद पॉसिबल होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बेटा वर्ग नंबर टू, अगर वर्ग नंबर टू के जो हमारे पास धातु है अगर ये भी हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं यानी कि कार्बनिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं बेटा, धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट में इनका ऑक्सीकरण कितना होता है, टू होता है, और कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है, माइनस का टू। देखो बेटा जो वर्ग नंबर टू है इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस का टू होता है, और जो कार्बोनेट है इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस का टू होता है। अब दोनों की ऑक्सीकरण अंक कैसा है, दोनों का बराबर है। जब दोनों का ऑक्सीकरण अंक बराबर है तो आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अणु सूत्र बनाते समय हम इनके आवेश को या इनकी जो संख्या इनको लिखते नहीं है, तो इस समय इनका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, MCO3 यानी कि धातु कार्बोनेट बनेगा इसमें, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा वर्ग नंबर फर्स्ट में जैसे लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, अगर ये सारे के सारे क्रिया करेंगे इससे तो क्या बनाएंगे, एक तो धातु कार्बोनेट बनाएंगे, एक धातु बाई कार्बोनेट बनाएंगे। जैसे लिथियम की बात करें बेटा, यहां पे लिथियम अगर क्रिया करता है किससे क्रिया करता है बेटा, धातु कार्बनिक अम्ल से क्रिया करता है तो एक तो बनाएगा बेटा LiHCO3 जिसका नाम होगा लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाई कार्बोनेट। इसी के साथ
एक यौगिक और बनाएगा Li2 और CO3 बेटा, इसका नाम क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट। अब इसमें बेटा इसी तरह सोडियम भी जब क्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह पोटेशियम जब क्रिया करेगा तो बनाएगा पोटेशियम बाई कार्बोनेट या बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। यानी कि जितने भी हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट के जितने धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं, वो जब इस कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से? धातु बाई कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट इसमें ना। लेकिन इसमें बेटा एक बात ध्यान रखना आप सभी कि यहां पे जो लिथियम का जो धातु बाई कार्बोनेट है ये बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये है ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र है, ये कोई बनता नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरह जो हमारे पास ये कार्बोनेट बनेंगे, अब आगे जाके हम गुणधर्म पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने पढ़ा है कि ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। ऑक्सो अम्ल वो यौगिक होते हैं या वो अम्ल होते हैं जिनमें किसी भी परमाणु के साथ एक तो ऑक्सो समूह जुड़ा होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सो अम्ल। आपके नोट्स में दिया हुआ मिलेगा प्रोटीनीकृत हाइड्रोक्सिल समूह। प्रोटीनीकृत हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब होता बेटा जो प्रोटॉन को क्या करें? दान करें। अब प्रोटॉन क्या होता बेटा? तो हाइड्रोजन प्लस जो एच प्लस है इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए आपके जो नोट्स है उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी कि वे अम्ल जिनमें किसी परमाणु के साथ प्रोटोनीकृत हाइड्रोक्सिल समूह और ऑक्सो समूह प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। और ऑक्सो अम्ल के साथ जो हमारे पास क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, और इन्हीं लवणों को क्या कहेंगे? ऑक्सो अम्लों के लवण। जैसे धातु कार्बोनेट है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे धातु सल्फोनिक अम्ल या धातु सल्फेट मिलेगा आपको इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑक्सो अम्लों के कुछ गुणधर्म है बेटा। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट के जो ऑक्सो अम्ल बनते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील का मतलब होता है बेटा जैसे ही आप इनको जल में डालते हो तो जल के जो अणु होते हैं उनको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं वो सारे के सारे जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। सेकेंड केस में ताप के प्रति कैसे होते हैं? स्थायी। यानी कि जो हमारे पास वर्ग नंबर फर्स्ट के जितने भी ऑक्सो अम्ल होते हैं अगर आप इनको जब गर्म करते हो तो उस समय ये टूटते नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास कैसे होते हैं? ताप के प्रति स्थायी होते हैं। लेकिन बेटा एक इसका अपवाद है, ये अपवाद क्या है? लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट बेटा कब बनेगा? जब लिथियम की क्रिया आप किससे कराओगे? कार्बनिक अम्ल से। जब लिथियम की क्रिया कार्बनिक अम्ल से कराओगे तो उस कंडीशन में बनता है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम जो कार्बोनेट है अगर आप क्या करते हो, इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? इसमें लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी कि जो लिथियम कार्बोनेट है वो एक अस्थायी है ताप के प्रति, यानी कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। और टूटेगा किसमें बेटा? लिथियम ऑक्साइड में टूटेगा और प्लस में क्या टूटेगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। अब लिथियम ऑक्साइड में टूटने के बाद ये क्या करता है? ये जल में जरी कैसे हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो ये हमारे पास वर्ग नंबर जो फर्स्ट है उनके ऑक्सो अम्लों के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म होते हैं? कि ये जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। उच्च ताप के प्रति कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अपवाद, अपवाद क्या होता है इसमें? ये लिथियम कार्बोनेट। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें इसमें कि वर्ग नंबर टू
तो वर्ग नंबर टू के जितने भी क्षारीय मृदा धातु होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये ऑक्सो अम्लों के साथ क्रिया करके उनके लवण बनाते हैं। जब उनके लवण बनाते हैं तो बेटा यहां से तीन प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनेंगे इनके। कौन कौन से बनते बेटा? एक तो कार्बोनेट, यानी कि जब आप इनकी क्रिया किससे कराओगे, कार्बनिक अम्ल से कराओगे, तो बनेंगे बेटा इनके कार्बोनेट अम्ल बनेंगे, सॉरी ऑक्सो अम्ल बनेंगे। अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारे पास वर्ग नंबर जो टू है इसका कोई भी क्षारीय मृदा धातु है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4 से जब क्रिया करेगा तो बनाएगा MSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास धातु सल्फेट बना है बेटा, ये वर्ग नंबर टू का क्या कहलाएगा, ऑक्सो अम्लों के लवण कहलाएंगे। इसी के साथ साथ बेटा जो हमारे पास थर्ड बनेगा, देखो फर्स्ट तो हमारे पास कार्बोनेट है, सेकंड हमारे पास सल्फेट है, और जो के साथ बेटा जो थर्ड बनेगा वो है बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट इसमें, नाइट्रेट का मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इसमें NO3। जैसे अगर हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, जैसे जो हमारे पास वर्ग नंबर टू के बेटा कार्बोनेट है, अगर वर्ग नंबर टू के कार्बोनेट की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, HNO3 से कराते हैं, तो उस कंडीशन में बेटा जो हमारे पास ऑक्सो अम्ल बनेगा वो क्या कहलाएगा, नाइट्रेट कहलाएगा। जैसे अगर आप मैग्नीशियम की क्रिया करा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम की क्रिया कराओ तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेंगे। तो यानी कि जो हमारे पास वर्ग नंबर टू के जो धातु होते हैं वो ऑक्सो अम्लों के साथ जब क्रिया करते हैं तो तीन प्रकार के ऑक्सो अम्लों के लवण बनाएंगे। कौन कौन से बनाएंगे? कार्बोनेट बनाएंगे, सल्फेट बनाएंगे और नाइट्रेट बनाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हमारे पास फर्स्ट बेटा कार्बोनेट। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो बेटा ये जल में कैसा होता है, अविलय होता है। जो हमारे पास कार्बोनेट बनेंगे वर्ग नंबर टू के, ध्यान रखना वो जल में कैसे होंगे, अविलय होंगे, जबकि इसके कैसे होते हैं, विलय होते हैं। अब जैसे हमारे पास बेटा लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट का तो अस्थायी था, इसी तरह वर्ग नंबर टू के जो कार्बोनेट बनेंगे बेटा वो भी कैसे होंगे, ताप के प्रति अस्थायी होंगे। जैसे ही आप उनको गर्म करोगे तो आपको मिलेगी धातु ऑक्साइड मिलेगी, और प्लस में क्या मिलेगा वहां पे, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें क्लियर है? इसी के साथ बेटा इसमें दे रखा है कि कार्बोनेट का आकार, यानी कि जो वर्ग नंबर टू है उसमें जैसे जैसे कार्बोनेट का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। इसमें तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है कार्बोनेट की। सेकंड जो हमारे पास ऑक्सो अम्ल बनेंगे वो बनेंगे सल्फेट। अब सल्फेट कब बनेंगे, जब आप किससे क्रिया कराओगे, H2SO4 से क्रिया कराओगे, तो उस कंडीशन में बेटा इनके क्या बनेंगे, सल्फेट बनेंगे। अब जैसे बेरियम की क्रिया आप H2SO4 से कराओगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट। अगर बेरियम की क्रिया, सॉरी मैग्नीशियम की क्रिया अगर H2SO4 से कराओगे तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप कैल्शियम की क्रिया यानी कि इन सभी की क्रिया कराओगे तो आपको सारे सल्फेट मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना आप सभी कि आपके पास ये सारे के सारे क्या बने हैं, सल्फेट। अब यहाँ पे इसमें टॉपिक दे रखा, देखो कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है बेटा इनके सभी के जो सल्फेट होते हैं वो जल में क्या होते हैं, शीघ्र विलय होते हैं, जबकि इसके जो जो कैल्शियम और जो बेरियम है इसके कैसे होते हैं, अविलय। तो बेटा इसका रीजन कुछ इस प्रकार, देखो इसमें जैसे अगर हमारे पास कोई भी आयन धातु इसमें बेटा छोटे आकार का होता है तो उस समय जो जल के अणु होते हैं वो जल के अणु क्या करते हैं, उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जब आसानी से उसको घेर लेते हैं तो इसका मतलब वो जो हमारे पास पदार्थ है वो जल में क्या हो गया, आसानी से विलय हो गया। और
जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो बेटा जल के अणुओं के द्वारा घेरे जाने का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया, वो कम हो जाती है। यानी कि यहां से हम एक बात समझ सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास परमाणु का साइज, जो परमाणु का जो साइज है बेटा, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जल योजन ऊर्जा। अब जल योजन ऊर्जा क्या होती है? जब कोई भी जल का अणु किसी धातु के साथ या किसी भी अणु के साथ जुड़ता है तो उस समय ऊर्जा बाहर निकलती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी परमाणु का आकार छोटा होगा तो उससे जल के ज्यादा अणु क्या करेंगे? जुड़ पाएंगे। और इसकी वजह से जब ज्यादा जल के अणु जुड़ेंगे तो जल योजन ऊर्जा का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर किसी परमाणु का आकार बड़ा है तो जल योजन ऊर्जा का मान कैसा होगा? कम। तो यहां पे बेटा अगर हम वर्ग नंबर टू की बात करें, वर्ग नंबर टू की बात करें तो उसमें आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और हमारे पास रेडियस में। तो ये बेटा, ये तो रेडियो एक्टिव होता है तो इसका जिक्र नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बेटा जल के जुड़ने की क्षमता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब जल के अणु कम जुड़ेंगे तो जल योजन ऊर्जा भी क्या होगी यहाँ पे बेटा? कम होगी। तो ये हमारे पास देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसका आकार छोटा है बेटा, इसका आकार कैसा है? छोटा है। जब आकार छोटा है इनका तो ये जल में कैसे होते हैं? शीघ्र विलय होंगे। जबकि कैल्शियम और बेरियम, इनका आकार बड़ा होता है तो ये जल में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं या जल में घुलते नहीं है। क्लियर बेटा यहां तक? तो हम अभी तक दो डिस्कस कर चुके हैं, एक तो कार्बोनेट और एक क्या बेटा? सल्फेट। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसमें है नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट में जो भी हमारे पास वर्ग नंबर टू के जो धातु हैं, ये क्या करेंगे? नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ जब क्रिया करेंगे तो बेटा क्या बढ़ाएंगे? नाइट्रेट बढ़ाएंगे। जैसे बेरियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। क्लियर है? ये बेरिलियम है, ये बेटा बेरियम है। अब जैसे जैसे बेटा इनकी बात करते इसमें कि जो हमारे पास ये नाइट्रेट बने हैं, आखिरकार इनकी जल में विलयता कैसी रहेगी, यानी कि घुलनशील रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो बेटा सेम बात है फिर से, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जब परमाणु का जब आकार बढ़ेगा तो बेटा जल के जो मतलब घुलने की क्षमता है या जल के अणुओं की जो जुड़ने की क्षमता है वो वापिस से कैसी हो जाएगी? कम। जब वापिस से कम हो जाएगी तो हम ये कहेंगे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जल योजन जो ऊर्जा है, मतलब जब जल के अणु जुड़ेंगे तो जो ऊर्जा निकलेगी वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? कम। या जल में घुलने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम। यही रीजन है कि जो मैग्नीशियम है आकार जिसका छोटा है और बेरिलियम जिसका आकार छोटा है, ये कितने जल के अणुओं के साथ जुड़े होते हैं? 6 जल के अणुओं के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि इनको 6 जल के अणु क्या करते हैं? घेर रखे होते हैं। जबकि ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। और जब आकार बढ़ेगा तो बेटा इस समय जो बेरिलियम है इसका आकार बड़ा मिलेगा तो ये जल में कैसा मिलेगा बेटा? अविलय मिलेगा इसमें। तो ये हमारे पास टॉपिक था बेटा कि ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, कौन जल में घुलता है, कौन जल में नहीं घुलता है। और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा इसमें कि कौन ताप के प्रति स्थाई होते हैं, कौन ताप के प्रति स्थाई नहीं होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना बेटा इसमें जल में विलयता, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी अच्छा तगड़ा पहलवान है बेटा,
अगर उसको घेरने के लिए बोला जाए तो उसको कम घेर पाते हैं व्यक्ति, क्योंकि वो पहलवान है, उसकी ठुकाई कर देगा। अगर कोई दुबला पतला छोटा व्यक्ति है, अगर उसको घेरने के लिए बोला जाए तो सारे बच्चे उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, हजामत बना देते हैं। ऐसा ही होता है जब दंगा होता है तो कोई दो दुबला पतला है, छोटा व्यक्ति है बेटा, उसको तो क्या करते हैं, रोक के पिटाई कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पहलवान है तो उसकी पिटाई नहीं करते हैं। सेम कंडीशन बेटा, अगर किसी परमाणु का छोटा आकार है तो जल के अणु उसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, मतलब जल की योजन ऊर्जा क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। अगर किसी परमाणु का आकार बड़ा है तो वो उसको मुश्किल से घेरते हैं, तो इसका मतलब है कि जल योजन एंथैल्पी का मान कैसा होगा, कम होगा इसमें, ठीक है।